अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर उसामा अकील। आज हमारा एमएस ऑफिस का लेक्चर नंबर 73 है, जिसमें हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। इससे पहले हम वीडियोस में प्रोटेक्ट फाइल, प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट सेल हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटेक्ट वर्कबुक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है रिव्यू टैब में। ठीक है, रिव्यू टैब में जाने के बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर आप इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कीप अदर फ्रॉम मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस टू योर वर्कबुक सच एज मूविंग, डिलीटिंग और एडिंग शीट्स। मतलब आप स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो अगर नहीं करवाना चाहते किसी से भी, तो आप फिर प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपनी वर्कबुक को। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका पासवर्ड रखता हूँ। अच्छा, पासवर्ड रखने से पहले आप कुछ चीज़ें देख लें। जैसे कि यहाँ देखें, ये प्लस का साइन है, मतलब आप नई शीट इंसर्ट करवाने के लिए आपके पास होता है प्लस का साइन। तो ये देखिएगा, आप ये हट जाएगा। 123 मैंने पासवर्ड रख दिया, ओके किया। री इंटर पासवर्ड पूछा, मैंने दोबारा 123 डाला, ओके किया। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मेरी जो वर्कबुक है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड करवाना चाहूँ, आप देख सकते हैं हट गया है वो प्लस का सिंबल। ठीक है, जैसे ये रिफ्रेश हुई फाइल तो वो हट गया। अब मैं अगर यहाँ पर देखें, मैं राइट क्लिक करता हूँ तो सारे ऑप्शन मेरे जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। इंसर्ट का भी, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, इसी तरह से टैप कलर, हाइड, अनहाइड, ये सारे ऑप्शंस मेरे जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर एक प्लस का सैम्पल था जिससे हम इंसर्ट करते थे शीट को, नई शीट इंसर्ट करवाते थे, वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वर्कबुक को दोबारा से जो है वो प्रोटेक्ट हटा दूँ उस पर से, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अनप्रोटेक्ट कर दूँ, 123 पासवर्ड डालूँगा और ओके कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखें प्लस का सैम्बल दोबारा आ गया। अब मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे जो ऑप्शन थे जो पहले डिसेबल हुए हुए थे वो दोबारा इनेबल हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।